हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें, बिकॉज हर चीज़ में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप कुछ भी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं छोड़ रहे हैं कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो नहीं आने वाला, साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट अलग से होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रेमेडीज़ यूज़ तो करती हूँ बट उतनी इफेक्टिव नहीं होती, मतलब उतना यूज़फुल मेरे लिए नहीं है। आप कुछ ना कुछ उसमें जो फॉल्ट मतलब मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आपको इतनी यूज़फुल मतलब इफेक्ट नहीं दे रहा होता है। कोई भी रेमेडी आपको वन टाइम में बहुत ज़्यादा फेयर या बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लुकिंग स्किन प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, बट अगर आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ कुछ फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके 1000% भी दिखेंगे। बिकॉज होम मेड रेमेडी है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होने, बट हाँ साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी सेफ रेमेडीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। और उस बेनिफिट को अचीव करने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलेंगे इतनी बिजी डेज में हम कैसे अपने टाइम को मतलब इस चीज़ के लिए अपने आप को मैनेज कर पाएंगे कि रेगुलर हम ये सब रूटीन्स कर लें? तो कुछ नहीं करना है, वन टाइम रेमेडीज को स्टोर करके रखनी है, बना के रख लेनी है वन टाइम, और उसको आप वीकली बना लें, वीक के लिए नहीं मंथली बना लें, और उसको स्टोर करके रखें और उसे अप्लाई करें। आप जैसे मार्केट बेस्ड चीज़ें अप्लाई करते हैं, आप इसे होम मेड रेमेडीज़ को अप्लाई करें और इससे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आजकल के जो डेली रूटीन्स के जो हम लोगों की वजह जो हो गई हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, हमारी हेयर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो इन सभी को ट्रीट करने के लिए हमें बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग चीज़ मैं लेकर आई हूँ, वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। विटामिन ई की कमी हमें डार्क सर्कल्स भी होते हैं। विटामिन ई हमारे स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स के शाइन में भी बहुत यूज़फुल है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सबको पता होता है ये यूज़फुल है, वो यूज़फुल है, इसको यूज़ करने से ऐसा होगा, बस इसको यूज़ कैसे करना है ये किसी को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से वो होम रेमेडीज़ को वेस्ट समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और फुल मतलब फुल आप अपने डेडिकेशन के साथ कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी होगा। और इसमें अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप होम मेड रेमेडीज में विटामिन ई कैप्सूल को एलोवेरा जेल के साथ मिक्सअप करके इसको अपने स्किन पे भी अप्लाई करेंगे, ओवरऑल फेस पे अप्लाई करेंगे, तब भी अच्छा बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको। इसको एकदम ग्लास लाइक, मैं एक बार में ही मैं बोल रही हूँ कि कुछ आपको अचीव नहीं होने वाला, अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अचीव होगी। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में आप खुद से ही नोटिस कर पाएंगे वन टाइम यूज़ में ही कि काफ़ी डिफरेंस आया है। और जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, पफीनेस आइज़ के अराउंड पफीनेस होती है, या फिर उनके आइज़ के अराउंड फाइन लाइन्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगे। आपको यूज़ कैसे करना है मैं बता दूँ, आपको 1 टीस्पून एलोवेरा जेल का लेना है एंड आपको 1 कैप्सूल ही विटामिन ई की लेनी है, ठीक है? दोनों को प्रॉपर मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल वो है, वो प्लांट बेस्ड ना हो, आपको मतलब घर में प्लांट जो लगा उसका एलोवेरा जेल आप ना लेके मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का लेके यूज़ करें। बिकॉज हम इस रेमेडी को यूज़ करेंगे 1 वीक तक या 1 मंथ तक, तो हम इसको स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है? और अगर आप फुल फेस में ले रहे हैं तो आप 1 वीक ही यूज़ कर पाएंगे। अगर आप फुल मंथ का यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ आइस के अराउंड यूज़ करेंगे, तो आप इसको मंथली भी चला सकते हैं। बिकॉज बहुत लिटिल अमाउंट में ये लगता है, डैब डैब करके आप अपने आइस के अराउंड लगाएंगे, इसको मसाज करेंगे, इसको ऑब्जर्व होने के देंगे, छोड़ देंगे और हम स्लीप लेंगे। अच्छा, अपने 8 आवर्स की स्लीप लेने के बाद अपने मॉर्निंग टाइम में इसको वॉश करके कोई भी अपनी जो स्किन केयर रूटीन्स है उसको फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको यूज़ करेंगे और इस तरह आप यूज़ करते रहे तो आप इसको अच्छे रिजल्ट पाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स भी फेड हो जाएंगे, आपकी पफिनेस आइज़ की प्रॉब्लम भी दूर होगी और साथ ही साथ फाइन लाइन्स भी आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सो इस रेमेडी को डेफिनेटली आप यूज़ करें, आपको एकदम अच्छे वाले रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।